स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी। मदन जी, बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत। ऑस्ट्रेलिया में डंका बजाने के बाद आपने देखा किस तरह से धोनी ने आखिरी मैच में कमाल धमाल किया है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड पहुंच गई है। मेलबर्न में सीधे टीम ऑकलैंड पहुंची, जहां से कल टीम इंडिया नेपियर के लिए रवाना हो जाएगी। नेपियर में पहला वनडे खेला जाना है। इस दौरे पर टीम इंडिया 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। अनुष्का भी साथ हैं। विराट की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो कल सुबह टीम इंडिया रवाना हो जाएगी, रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। और अब आज के हमारे इस कार्यक्रम पर हम आगे बढ़ते हैं। जय वीरू की जोड़ी तैयार, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन सबसे पहले विराट की बात। विराट जिस तरह से रन पे रन बनाए जा रहे हैं, उससे बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं, और उन्हें वैसे ही वनडे का ब्रैडमैन तो कहा ही जाने लगा है। क्रिकेट के दिग्गज तो यहां तक कह रहे हैं कि विराट अगर इसी तरह खेलते रहे तो सचिन का रिकॉर्ड भी ज्यादा दूर नहीं है, धराशाही होना तय है। यह कमाल के विराट, मतलब जानदार, जबरदस्त। मदन जी, विराट हैं तो कोई कम नहीं। हाँ, कोई मेरे को लगता है कि देखिए, विराट की हम तो बात करते ही रहते हैं, पर आज दुनिया उनकी बात कर रही है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बोलती है। और इसने हमेशा जो है फ्रंट पे रहकर ही परफॉर्म किया। और जब आपका कैप्टन जब परफॉर्म करता तो आपके रिजल्ट जो है वो बेहतर होते ही होते हैं, क्योंकि कैप्टन का एक होता है कि एक तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक रहे, और दूसरी है कि अपनी टीम का परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी रहती है। जब और विराट जो है जैसे वो रन बना रहा है, आपके आप जितने भी आगे मैच खेलता जाएगा वो रिकॉर्ड ही टूटते चले जाए। इसको रिकॉर्ड अब तो जबरदस्त, धोनी भी फॉर्म में आ गए हैं तो ये जोड़ी भी मिल गई है, कॉम्बो भी बहुत जबरदस्त। नहीं, देखिए बहुत जरूरी था एमएस धोनी का। धोनी की बात करेंगे सर, लेकिन विराट आपको लगता है कि जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कोई रिकॉर्ड सचिन का नहीं बचा? सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जैसे वो रन बना रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी फॉर्म कैसी रहती है। अभी तक तो अगर देखा जाए, आप आज एनालाइज किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं तोड़ेगा जैसे वो चल रहा है। बिल्कुल ठीक मदन सर। तो आप जय वीरू में, हम जय अगर मान लीजिए विराट को मान ले तो वीरू की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। टीम इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर, और ऑस्ट्रेलिया में हमें ये फिनिशर फिर से मिल गया है। जी हाँ, आप समझ गए हो, महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे हैं। फॉर्म में आने से न सिर्फ कप्तान विराट खुश हैं, बल्कि आप और हम क्रिकेट फैंस भी बहुत ज़बरदस्त खुश हैं। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की तैयारियों को नई धार, नया बल मिला है, और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस टीम इंडिया में धोनी के आने से। मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं धोनी की वापसी। मदन जी, कप्तान खुश, कोच खुश, टीम इंडिया के खिलाड़ी खुश, आप खुश, हम खुश, हमारे सारे क्रिकेट फैंस खुश, क्या जलवा है ये धोनी क्यों धोनी की मौजूदगी टीम इंडिया में इतनी महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे बड़ी मौजूदगी इसलिए है कि वो नंबर 5 में जहाँ पे बैटिंग करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है बैटिंग करना, क्योंकि फील्डिंग वगैरह खुली होती है, वहाँ से मैच को जिताना, और मैच को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और मैच को जिताते भी हैं। कई बार तो हमें भी डर लगता है कहीं कहीं मैच कहीं इधर से उधर ना हो जाए, पर क्योंकि लास्ट मैच में जैसे चल रहे थे हमें लग रहा, पर महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल काम थे, कूल थे। वर्ल्ड कप से पहले धोनी का ये फॉर्म बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही चाह रहे थे टीम मैनेजमेंट की। एबिलिटी के बारे में किसी को शक नहीं है, पर वो फॉर्म चाहते थे कि एक बार रन बना ले, और जब रन बनते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। इसलिए भारतीय टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, मैन ऑफ द सीरीज बनना, और कैप्टन की खुशी देखिए, क्योंकि आपको चाहिए वहाँ पे जो कि बाकी जो 5-6-7 खिलाड़ी जो बल्लेबाज हैं उनके साथ खेल सके, और वो अपनी गेम को ऑर्गेनाइज बहुत बेहतरीन करता है। ऐसे कभी भी जब थोड़ी बहुत ही लोचना उनकी होती है, तो जब फॉर्म में नहीं होते थोड़ी बहुत ही उनकी होती है, पर फॉर्म तो कभी भी वापस आती है। पर मैं समझता हूँ कि इनके ये फॉर्म में आने से थोड़ी सी ना इंडियन टीम को भी राहत मिली। सर धोनी की कैप्टेंसी, धोनी का एक्सपीरियंस, वो सब भी टीम कीपिंग तो जबरदस्त है उनकी। एक्सपीरियंस तो खैर वो तो कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि पूछो ना, क्योंकि एक कैप्टन जो बड़े क्वाइटली सोच सकता है और गेम को चेंज कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि कई बार होता है कि कैप्टन ना पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कई बार मैच में, पर आपके पास एक ऐसा कैप्टन है जो कि गेम को ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो हाँ भाई ये करना चाहिए हमें।
लेकिन बहुत धन्यवाद मदन सर। लेकिन हम आपको बता दें कि बस सबसे कुछ देर बाद 8 बजे आज का एजेंडा में मदन जी आपके साथ होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगा न्यूजीलैंड।